यूपी पुलिस को सूबे में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अधिकार दिया गया है, लेकिन बदमाश पुलिस तक को नहीं बख्श रहे। मामला जौनपुर का है, जहां पुलिस विभाग में दीवान पद पर तैनात हंसराज अपने परिवार के साथ अम्बेडकर नगर से वाराणसी जा रहा था। तभी रास्ते में बस में कुछ युवक बैठे और सामान को रखने को लेकर दीवान से विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने दीवान और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आई दीवान की बेटी की भी युवकों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। जी सर, हम लोग बाग बाहर से अपने बनारस जा रहे थे, तो फिर रास्ते में यहाँ सागंज के पास तीन लड़के चढ़े, फिर उन्हीं से मतलब बैग रख रहे थे, तो पापा ने मना किया कि थोड़ा साइड रखो, नहीं इसको आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो उसी पे बहस कैसे, तो फिर मैं पापा से डांटने लगे पापा को, तो मैं बोल दिया तो मुझसे सब झगड़ गए, फिर दीदी बोली तो दीदी से भी सब उलझने लगे, तो फिर मुझसे मारपीट हो गई उनकी, तो फिर वो तीनों मुझे बाहर लेके गए। फिर उसके बाद उसके पापा भी आ गए, वो तीनों के जो बाप थे वो भी वही बगल किए थे, सब आ गए, फिर मुझे मारने लगे, तो पापा भी बचाने के लिए उठे, तो पापा को भी मार दिए, पापा गिर के बेहोश हो गए थे। क्या वो सब गिरफ्तारी हो गई? अभी नहीं हुई है। क्या छेड़खानी उन्होंने की थी बस में? हाँ। क्या आपके पिताजी किस पद पर हैं, कहाँ जा रहे थे? मेरे पापा दीवान हैं अली नगर थाने में। आज थाने पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस सब बस ये इतना लेट हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, आधे आधे घंटे तक बैठा रहे हैं बस। कितने लोग घायल हो आप लोग? हम और मेरे पापा और दीदी थोड़ा बहुत, उनका भी बाल उल सब, ये एक बाप पकड़ाया है वही नोच वोच लिया था बाल उल दीदी का। क्या बस में जो है आपको मारपीट हुई, रोड पर हुई है? बस में भी हुई, बस रुकी हुई थी, फिर रोड पे सब घीच लिए थे हमको। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। देखना होगा पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।